हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन हेल्प यू। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास ट्वेल्थ का है, बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो अपना इंट्रोडक्शन है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, ये डिस्कस करेंगे। तीन फंक्शनल एरियाज में नॉर्मली डिवाइड है। पहला है फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा है नॉन बिजनेस मैनेजमेंट फंक्शनल एरियाज, और तीसरा है इमर्जिंग फंक्शनल एरियाज। तो ये अच्छा खासा लंबा थोड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाएगा। अच्छा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का नहीं बनेगा। अगर 4 मार्क्स का बनना भी है इन तीनों में से तो ये बन सकता है, प्रोबेबिलिटी कम है, थोड़ा चांसेस कम है, लेकिन अगर बनेगा 4 मार्क्स के हिसाब से तो ये बनेगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी अपन है तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा करना पड़ेगा आपको। अगर इनका क्वेश्चन आता है नॉन जो बिजनेस के मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज हैं या इमर्जिंग फंक्शनल एरियाज हैं, इनका क्वेश्चन आता है तो जितने चांसेस 90% जितने चांसेस हैं मेरे अकॉर्डिंग, वो सिर्फ नाम लिखने का आएगा कि नेम द नॉन बिजनेस मैनेजमेंट फंक्शनल एरिया या राइट द नेम ऑफ द इमर्जिंग फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, तो नाम के हिसाब से आएगा। तो इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मीनिंग भी पता है तो अपने वर्ड्स में अपन लिख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट का फंक्शनल एरियाज कौन कौन से, पहले स्कोप बताया। तो स्कोप में क्या होगा, स्कोप में ये देखेंगे अपन कि मैनेजमेंट की जो रिक्वायर्ड है, जो नीड है, वो कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से सेक्टर है। स्पेसिफिकली पहला है बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब बिजनेस में किस किस सेक्टर्स में अपन को मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ती है, मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। स्ट्रेट अवे सबसे पहला है अपना प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब होता है जहां पर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उस चीज़ को या उस जगह को मैनेज करना या आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए क्या है, मैनेजमेंट को स्पेसिफिक फोकस करना पड़ेगा जहां पर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि अच्छी चीज़ें नहीं अगर प्रोड्यूस होगी तो आपका खराब प्रोडक्ट ही मार्केट में जाएगा और वो आपकी रेपुटेशन या फेम को कम कर देगा। इसलिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट जरूरी है, राइट। सेकेंड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब स्टॉक को मैनेज करना, कब कितने स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, ताकि आपका जब भी कोई भी काम या स्मूथ फ्लो आपका रुके नहीं ऑर्गेनाइजेशन का। इसलिए आपका रॉ मटेरियल कब चाहिए, कितना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, यह आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए। इसलिए एक स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफिसर रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि स्टॉक का देखरेख करता है, माल का देखरेख करता है, रॉ मटेरियल का देखरेख करता है, कितना मटेरियल कब जरूरत है, कहाँ जरूरत है और किस लोगों को जरूरत है, किन लोगों को जरूरत है, राइट। आगे देख लेते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। जैसे ही प्रोडक्ट आपका बन जाता है, जब मार्केटिंग स्टार्ट होती है, दैट मींस आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, इन्फॉर्म करना है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपके प्रमोशन टेक्निक्स आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी वगैरह, ये सारी टेक्निक आ जाती है अभी किसमें, मार्केटिंग में। तो ये सारी टेक्निक्स को मैनेज करना, कहाँ एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है, कहाँ पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत है, कहाँ अपन को पब्लिसिटी की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें अपन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और ये मार्केटिंग का ही पार्ट है, राइट। आगे आता है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों को मैनेज करना। जैसे अब अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जब भी कहीं पर पैसों की रिक्वायरमेंट है तो अपने पास रिजर्व में वो पैसा होना चाहिए। कहीं पर भी अपन को इन्वेस्ट करना है तो वो पैसा अपने ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। प्लस अपन को ये भी नज़र रखनी पड़ती है कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा रहा है और कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन से अंदर आ रहा है, राइट। तो ये हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को, स्टाफ को बोला जाता है, तो उनको मैनेज करना अपना हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उनके लिए अपन को टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है, मोटिवेशन टेक्निक, लीडरशिप स्किल अपन को दिखानी पड़ती है, ताकि जो वर्कर्स हैं वो इंटरेस्ट लेके, मन लेके काम को करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाए और वो भी इफेक्टिवली, वो भी मोटिवेट हो पाए, वो भी खुश और ऑर्गेनाइजेशन भी खुश, राइट। देन यू हैव ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा था, ऑफिस एक इंपॉर्टेंट प्लेस होती है जहां से पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग डिफाइन होती है। अगर आपका रिसेप्शन एरिया या फ्रंट ऑफिस ही स्मूथ वर्किंग में नहीं है, अच्छे लोग वहां पर अपॉइंटेड नहीं है, तो आपका पूरा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। इसलिए फ्रंट ऑफिस या स्पेसिफिक ऑफिस का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए राइट इक्विपमेंट का होना, राइट लोगों का होना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया अपना फ्रंट ऑफिस या अपना ऑफिस मैनेजमेंट। देन यू हैव ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन, कि कब कौन सा व्हीकल अपन को रिक्वायर्ड है अपने गुड्स को छोड़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए राइट ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, ऐसे गुड्स है जो कि
रिटेलर्स के पास जाता है, होलसेलर्स के पास जाता है, मार्केट में आप सप्लाई करते हैं, तो राइट ट्रांसपोर्टेशन फिजिकल डिलीवरी व्हीकल जो आपके हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। देयर इज अ टर्म कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके गुड्स को आपको कैसे भेजना है, थ्रू होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, एजेंट कैसे भेजना है, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। देन यू हैव इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। अगर आपकी फर्म जयपुर से बाहर या कहीं से भी बाहर, दिल्ली से बाहर, एमपी से बाहर, जहाँ से भी वो ऑपरेट करती है, वहाँ से बाहर भेज रही है प्रोडक्ट को, तो वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट, ये ज़रूरी है कि आप जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को मैनेज करना, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ लोकल एरिया में नहीं जा रहा, अब वो अदर सिटी जा रहा है, अदर स्टेट जा रहा है, अदर कंट्री जा रहा है, तो वो सारे प्रोसेस को मैनेज करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट हुआ, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है बहुत सारा, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे बीकॉम वगैरह में, तो वहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, सबमिट करना पड़ता है, अपने एजेंट को अपन को पास आउट कराने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो आप बाद में जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए भी पूरे प्रोसेस को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, क्लियर। आगे देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ये नई टर्म है, R&D रिसर्च जिसको बोला जाता है। अब कंपनीज रिसर्च करती है मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, तो वो सारे प्रोसेस को मैनेज करना, क्वेश्चनरी बनाना, इंटरव्यूज के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, सारी चीज़ें प्रिपेयर होती है ताकि अपन ऑडियंस से, अपनी जो पब्लिक है उससे राइट फीडबैक ले पाएं और फिर सही प्रोडक्ट आके बना पाएं, जिसकी वजह से क्या होगा, अपना जो वेस्टेज है वो कम से कम होगा। मेकिंग सेंस। आगे देखते हैं अकाउंटिंग मैनेजमेंट, जैसे कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट जहां पर अपन अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर रखते हैं, टाइम टू टाइम जितना भी कुछ भी रॉ मटेरियल सप्लाई परचेज हो रहा है, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं डे टू डे वर्किंग में, अपन उसका हिसाब रखते हैं, नोट करके रखते हैं कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग मैनेजमेंट, एज सिंपल एज दैट। चलिए, ये हो गए अपने फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मूव करते हैं नॉन बिजनेस मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज में। नॉन बिजनेस है मतलब बिजनेस से इसका कहीं पर भी रिलेशन नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल लाइफ में है, जहां पर उन चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ता है, मैनेज किस चीज़ को नहीं करना पड़ता, राइट। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, कई नॉन बिजनेस के फंक्शनल एरियाज जो अपनी बुक्स वगैरह में गिवन है, वो चुनिंदा ये है, डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक यूटिलिटीज मैनेजमेंट, कोई भी पब्लिक यूटिलिटीज हो गई, जो कि पब्लिक पार्क्स हो गए, पब्लिक प्लेसेस हो गई, मॉल्स वगैरह हो गए, आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी, तो आप उन सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है गवर्नमेंट आपको थ्रू पार्क्स, थ्रू सारी चीज़ें, जितनी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जितने भी करा, उस चीज़ों को भी मैनेज करना ज़रूरी है, तभी तो जनरल पब्लिक सेटिस्फाई हो पाएगी, तभी तो उनको लगेगा कि जिस सरकार को, जिस गवर्नमेंट को हमने इलेक्ट करा है, उन्होंने हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए ये सारी चीज़ें करी हैं, राइट। सेकेंड है आपका एनवायरमेंट मैनेजमेंट। एनवायरमेंट मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्वच्छ भारत स्कीम इसी एनवायरमेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है, जहां पर एनवायरमेंट को मैनेज करा जा रहा है ताकि टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके और अपना जो खुद की कंट्री है वो भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो सके, क्योंकि जितना स्वच्छ रहेगा, जितना भी कोई भी पार्ट ऑफ अ कंट्री अगर क्लीन रहेगी, तो उतना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है पूरे ग्लोबल लेवल पे, राइट। देन यू हैव एजुकेशन मैनेजमेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेकेंडरी लेवल पे हुआ, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे है, कॉलेज लेवल पे है, UGC जो संभालती है, CBSE, RBSE जो छोटे लेवल पे संभालते हैं, तो सारा कुछ मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर नहीं मैनेज करा जाएगा तो पेपर वगैरह लीक होते हैं, समय पे एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, जो कोर्स का स्ट्रक्चर है अगर उसमें अपडेशन नहीं करा जाएगा तो वही आउटडेटेड चीज़ें अपन को पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, एजुकेशन का मैनेजमेंट होना या इफेक्टिव HRD मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, या फिर लोकल लेवल पे भी स्टडी लेवल पे फोकस करना, करिकुलम में देखना कि कौन से चेंजेस एप्लीकेबल होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना आता है एजुकेशन मैनेजमेंट में। फिर आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, किसी भी नेशन में सेफ्टी बनी रहे, रिस्क कम हो, जनरल पब्लिक को एश्योरेंस हो कि हमारे मदद के लिए सिक्योरिटी है, पुलिस फोर्सेज है, मिलिट्री फोर्सेज है, किसी भी नेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सिक्योरिटी है, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, मिलिट्री हो, जो भी आपकी फोर्सेज हैं किसी भी कंट्री में, वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए। इसलिए अगर जहाँ पर भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो तुरंत पहुंच जाए और वहां पर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाए नेशन की सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए, राइट।
देन यू हैव अ लॉ मैनेजमेंट, कानून जो है आपका लोकल लेवल से लेकर आपका सीनियर लेवल सुप्रीम कोर्ट तक बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट, लोकल कोर्ट्स बने हुए हैं आपके, देन यू हैव हाई कोर्ट, देन यू हैव सुप्रीम कोर्ट। तो लोकल लेवल पे भी वो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, लॉज बने हुए होने चाहिए, जैसे कि अपने अलग अलग कानून बने हुए हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, बहुत सारे ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट एक्ट, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं ताकि नॉर्मल पब्लिक को किसी भी तरह का डील करते हुए कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आती भी है तो स्पेसिफिक सेक्शन बने हुए हैं, उनके थ्रू ही आपको कंपनसेशन मिलता है या उसके थ्रू ही आपकी प्रोसीजिंग होती है केसेस की आपकी, राइट। तो लॉ को मैनेज करना किसी भी कंट्री में वो भी बहुत ज़रूरी है। देन यू हैव अ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से अपग्रेडेशन हो रही है उतने ज़्यादा रिस्क ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं, आपके लीक्स वगैरह बहुत हो रहे हैं, डाटा लीक हो रहा है आपका, ठीक है, आपका साइबर स्पेस जो साइबर क्राइम है आपका वो बहुत बढ़ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी अब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप्ड हो रही है जिसको मिलियंस ऑफ पीपल यूज़ कर रहे हैं, जैसे वो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, उनमें सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो प्रॉपर हो, क्योंकि अपना अपन पर्सनल डाटा लीक वगैरह होता है तो वो किसी भी पर्सन के लिए, ना ही उस सिटी के लिए, कंट्री के लिए, स्टेट के लिए वो ठीक है। तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, हार्मफुल इफेक्ट कम से कम होने चाहिए, ऐसे कंटेंट होने चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए उस टेक्नोलॉजी में जो कि रदर देन गिविंग अ नेगेटिव इफेक्ट वो ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट दे पाए, अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए यूजर्स को, राइट। दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। आगे बढ़ते इमर्जिंग फंक्शनल एरियाज जो कि अभी से 100 साल पहले तक नहीं थे लेकिन अब वो आ रहे हैं और उन चीज़ों को भी मैनेज करने की ज़रूरत पड़ रही है जो कि इमर्जिंग फंक्शनल एरियाज है, आने वाले टाइम में आ रहे हैं या अभी भी बहुत पॉपुलर हैं। देख लेते हैं मेंटेनेंस मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ को मेंटेन करना, कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं तो वो मेंटेनेंस मांगती है, तो सर्विसेज के लिए मतलब किसी भी चीज़ को आपने परचेज करा अगर उसमें रिपेयरिंग वगैरह की ज़रूरत है तो उसको मेंटेनेंस कराया जाता है, मेंटेन करा जाता है, उसके लिए भी उस सारे प्रोसेस को मैनेज करना मेंटेनेंस मैनेजमेंट है। आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इधर इन स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग में, म्यूचुअल फंड्स में, जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सारे प्रोसेस को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। फिर है एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। अब बिजनेसेस जितने भी खुल रहे हैं रैपिड वे में, बहुत सारे बिजनेसेस खुल रहे हैं, इंडस्ट्रीज खुल रही है, उन सबको मैनेज करना, एक एंटरप्रेन्योर मतलब एक बिजनेसमैन को उसकी एक्टिविटी को मैनेज करना ताकि वो इलीगल चीजों में ना पड़े, लीगल चीजें ही प्रोड्यूस हों और उससे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में मदद करे किसी भी कंट्री में। देन यू हैव स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, छोटे बिजनेस हैं जो अपनी रिटेल स्टोर से लेकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, कॉटेज इंडस्ट्री हैं, उनको मैनेज करने की जरूरत है क्योंकि अभी भी रूरल सेक्टर्स में वही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं, राइट और रॉन्ग, राइट। देन यू हैव होलसेलर रिटेल मैनेजमेंट। अब होलसेलर का इंपॉर्टेंस बढ़ गई है मार्केटिंग प्रोसेस में, रिटेलर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, तो सारे प्रोसेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि अल्टीमेट जो फाइनल आपके कंज्यूमर हैं उनको राइट वे में प्रोडक्ट डिलीवर हो पाए, जिसमें हमें फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी दोनों को आपको समझना पड़ेगा और राइट चैनल के थ्रू प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करना पड़ेगा। हो रहा है क्लियर? आगे देख लेते हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट। हर बिजनेस में रिस्क होती है, रिस्क एलिमिनेट नहीं करी जाती, रिस्क को मिनिमाइज करा जा सकता है, तो वो सारे कदम जो अपन उठा सकते हैं जिससे अपन रिस्क को कम कर सकें, जिसमें अच्छी इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं अपन, स्वॉट एनालिसिस, एनवायरमेंट स्कैनिंग कर सकते हैं अपन, तो इससे क्या होगा, रिस्क थोड़ी मिनिमाइज हो जाएगी। रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, हर चीज़ में रिस्क है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के थ्रू अपन उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर है मार्केटिंग रिसर्च मैनेजमेंट। अगेन द सेम थिंग, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले जब कंपनी रिसर्च करती है तो उसको और इफेक्टिव बना सकती है ताकि जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस करें वो सोल्ड आउट हो पाए मार्केट में और कंपनी को भी रेवेन्यू जनरेट हो पाए, गवर्नमेंट को भी फायदा हो पाए टैक्स के रूप में, राइट। देन यू हैव इवेंट मैनेजमेंट। कोई भी इवेंट करने से पहले उसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे होते हैं, एक जनरल लेवल पे भी, फैमिली लेवल पे भी इवेंट होते हैं, तो उन सारे इवेंट को मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस चीज़ के लिए इवेंट मैनेजमेंट फर्म्स भी खुल रही हैं, कोर्सेज भी हो रहे हैं, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, आपको सिखाया जाता है हाउ टू मैनेज इवेंट प्रॉपरली, या फिर आपको मैनेज करने के लिए किसी भी इवेंट को क्या टूल्स एंड टेक्निक की रिक्वायरमेंट है, क्या वो स्किल की ज़रूरत है जो आप किसी भी इवेंट को इफेक्टिवली मैनेज कर पाओ। फिर है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर है, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल इनकम के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वर्कलोड जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में या नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के टूल्स एंड टेक्निक पता होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स वगैरह को, जो डेली लेवल पर ट्रेनिंग होती है, सेमिनार्स होते हैं,
वर्कशॉप होती है, मेडिटेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं वो स्ट्रेस को कहीं हद तक कम कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग आवर्स कम कर रही है लोगों का, ठीक है, 9 to जो आपकी 9 to 9 जॉब थी, 9 to 8 जॉब थी आपकी 12-12 घंटे की, अब उसको 9 to 5 कर दिया, सैटरडे ऑफ कर दे रहे हैं, कहीं कहीं सैटरडे संडे ऑफ कर दे रहे हैं, ताकि जो वर्कलोड का लेवल है वो थोड़ा कम हो पाए, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल पाए वर्कर्स को, फैटिक स्टडी जो होती है, रेस्ट इंटरवल जो होता है वो ज़्यादा दिया जा रहा है, ताकि एक फ्रेंडलीनेस वाला एनवायरमेंट बन पाए और स्ट्रेस का लेवल कम हो पाए। देन यू हैव इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आपकी फर्म इंटरनेशनली या ग्लोबल लेवल पे बिजनेस कर रही है, दैट मीन्स दैट यू आर मूविंग फ्रॉम योर डोमेस्टिक सिटी और स्टेट टू अ फॉरेन नेशन, आप अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन नेशन में भी सोल्ड आउट कर रहे हो, या इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ डोमेस्टिक टेरिटरी टू अ इंटरनेशनल टेरिटरी, तो आपको वो सारी चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट अलग, वहाँ का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, प्रोडक्ट को बेचने के तरीके अलग हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट लेने के तरीके अलग हैं, तो आपको वो सारी चीजों को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपना ये हो गया इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तीनों चीजें हैं अपनी, फंक्शनल एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आएगा तो वन वर्ड में आएगा, मतलब एक या दो मार्क्स में आएगा, दो मार्क्स में तो आता ही नहीं अपना, तो वन मार्क्स में आएगा या थ्री मार्क्स में आएगा, जिसमें आपको नाम लिखने पड़ेंगे, तो इनके नाम अच्छे से याद करके जाइएगा, जितने भी नाम आपके बुक्स में दे रखे हैं, और फंक्शनल एरियाज को अच्छे से समझ के जाइएगा, इतना तो समझ के जाइएगा ताकि दो या तीन लाइन लिख सके और उसको एक्सप्लेन कर सके। पॉइंट्स में हेडिंग के थ्रू लिखिएगा, हेडिंग डैश करके और फिर वैसे एक्सप्लेन करिएगा, ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको, वो मैं टेक्निक्स आपको बताते रहूंगा कैसे आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं बोर्ड्स वगैरह में। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, जब तक दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।